तो थोड़ी मतलब ऑफरोडिंग करने के लिए बाहर आए हो, तो आज थोड़ा ना उसका पूरा ऑफरोडिंग करेंगे। और गाड़ी मतलब ऑफरोडिंग में कैसी है? और देख रहे हो मेरे सामने, ये देखो यहाँ पे जहाँ थोड़े दारू वीरू पी के, ये देखो यहाँ पे थोड़ी लड़ाई चल रही है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, तो अभी बज रहे दोपहर के 2 बज रहे। तो अभी मैं यहाँ पे ना मेरी मतलब सीवी रिकॉर्ड है ना, उसको थोड़ी मतलब ऑफरोडिंग करने के लिए बाहर आया हूँ। तो आज थोड़ा ना उसका पूरा ऑफरोडिंग करेंगे। और गाड़ी मतलब ऑफरोडिंग में कैसी है और ऑफरोडिंग कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊँगा। तो चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से करते। और गाइज मेरे सामने ये देखो यहाँ पे जहाँ थोड़े दारू वीरू पी के, ये देखो यहाँ पे थोड़ी लड़ाई चल रही है। तो अभी चलते हैं अपन यहाँ से, मुझे जाना है थोड़े उस जगह पे, थोड़ा मतलब ऑफरोडिंग विफरोडिंग करनी है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, तो अभी क्या हुआ है, तो पिछली बार जो मैंने हेलमेट पहना था वो इसलिए यहाँ पे ना डिजाइन उसकी ग्रीन थी, तो ये थोड़ा मतलब ऑरेंज वाला है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने गाड़ी खरीदी ना, तो उस टाइम मैंने 2 हेलमेट खरीदे थे। तो इसके जो जो पन्ना है ना, वो भी मैंने निकाला नहीं है, ये देख सकते आप लोग, मैं अब निकालूंगा। और इसके ऊपर यहाँ पे ना मोटो ब्लॉग इनका एक सेटअप बनाऊंगा, तो मैं मोटो ब्लॉग सेटअप बनाते हैं और यहाँ से चलते हैं और मोटो ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए फाइनली चलो, अभी अपन रखते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाइजर काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, वाइजर ये देख सकते हैं आप लोग। ओ तो फाइनली अब टाइम आ गया इस बाइक का मतलब क्या ऑपरेटिंग करने, टेस्ट करने का। तो आप लोगों को थोड़ा रोड दिखाता हूँ, ये देखो रोड, देखो ये देखो पूरा मतलब ऐसा कैसा, ये देखो पत्थर है और पत्थर ऐसे सीधे भी नहीं है, मतलब कैसे भी है, तो ये देख सकते हैं ऐसा रोड है। तो ये देखता हूँ कि ये CBU जो CBU यूनिकॉर्न है ना, ये बाइक मतलब यहाँ से मतलब ऊपर तक ये पार कर सकते है कि नहीं, मतलब ऊपर जा सकते है कि नहीं। और इसका जो ग्राउंड फ्लोरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये नीचे से लगते है कि नहीं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो थोड़ा इसका ग्राउंड फ्लोरेंस आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो। तो अब देखता हूँ कि ये पार करते है कि नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस ये जो कैमरा है ना, इस कैमरे से क्या मैं आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा। तो चलते करते हैं अपनी यहाँ से ऑफरोडिंग अपनी स्टार्ट, तो अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट आपको ये स्टार्ट करना है, ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। तो अब अपन न्यूट्रल पे न्यूट्रल करते पहले, हाँ ये हो गई न्यूट्रल। तो फाइनली यहाँ से अपन ऑफरोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो देखता हूँ ऊपर जाते कि नहीं ये बाइक, और नीचे से नहीं लगना चाहिए यार, नई बाइक है। तो चलिए फर्स्ट गियर डालता हूँ। तो यहाँ से ये बिहाइंड द सीन है, आप लोग देख सकते हैं। ओ चलिए, तो सही सलामत चल रहे फर्स्ट गियर पे, ये देखो ये जा रही है, ये देखो रोड, देखो यार रोड देख रहे हो, ये देखो ये देख रहे हो, ये देखो ये देखो, फाइनली गाड़ी ने पार कर चुकी है, फाइनली मेरी गाड़ी। तो ये देखो फाइनली वेंडम माय बॉय। तो अब चलते हैं अपन ऊपर, तो गाड़ी तो भाई क्या ही बोलूं, रुको आप लोगों को थोड़ा रुक के बताता हूँ, यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी सेफ नहीं है, थोड़ी अच्छी जगह पे पार्क करता हूँ, यहाँ पे पार्क करता हूँ, यहाँ पे कोई। सो गाइस, तो बहुत मज़ा आ गया, मतलब ऑफरोडिंग करके काफ़ी अच्छा मज़ा आ गया। तो ये देख सकते हैं मतलब मैंने नीचे से जो गाड़ी यहाँ तक मतलब ऊपर तक यहाँ पे मैंने गाड़ी लेके आया हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख रहे हो। तो काफ़ी मज़ा आया ऑफरोडिंग में, तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छा है, मतलब इस गाड़ी से आप मतलब ऑफरोडिंग भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि ऑफरोडिंग नहीं कर सकते। और इसका ग्राउंड फ्लोरेंस काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल गाड़ी नीचे से कहीं पे नहीं लगी, तो काफ़ी अच्छे है। तो चलते हैं आप आगे ऊपर जाते हैं, ऊपर से आप लोगों को थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं, तो चलिए।
सो गाइस तो यहाँ से रोड स्टार्ट होता है, तो अपन यहाँ से अंदर चलेंगे और ऊपर जाके आप लोगों को पूरे सारी चीज़ दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं आप ऊपर। सो गाइस तो आप लोगों को थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो व्यू देखो। भाई मैं तो यहाँ पे ना मतलब सीढ़ियाँ पार करके यार मेरे पसीने छूट गए, मतलब खत्म ही नहीं हो रही। और हमें जाना है, आप लोगों को दिखाता हूँ हमें कहाँ जाना है। तो हमें पूरा ऊपर तक वहाँ तक जाना है, मतलब ये देख रहे हो एंड, थोड़ा आप लोगों को झूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो वहाँ पे जाना है। तो ये देखो हम नीचे से पार करके यहाँ तक आ गए, तो अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो चलिए ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाना है ना मुझे, तो इसलिए तो चलिए। तो हम लोग पार करके ऊपर आ चुके हैं, तो भाई ये मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैंने मतलब पूरा कर दिया। तो और यहाँ खत्म नहीं होता, और ऊपर है देख रहे हो वहां तक है पूरा। तो थोड़ा यहाँ ब्रेक लेते हैं, यार मैंने कुछ भी नहीं लिया, मतलब पानी की बॉटल भी नहीं मेरे पास रखी, तो बहुत मतलब मुझे मतलब प्यास बहुत लगी और मेरे पास मेरा गला तो पूरा सूखा है, फिर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोगों को ऊपर से थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाओ, तो व्यू देखो, तो ये देखो व्यू देखो। और गाइस ये जो आप लोग मेरे मतलब मुंह के ऊपर ये जो धूप आ रही है ना, लेकिन ये धूप से काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर आने के बाद यहाँ की जो हवा है ना वो बहुत ठंड है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ से धूप भी लग रही है और यहाँ से ठंडी हवा भी है, तो कॉम्बिनेशन मतलब मज़ा आ रहा है, इंजॉयमेंट कर सकते हैं आप लोग ऐसे यहाँ के एटमोसफियर है। तो अपन चलते हैं, गिर सकता हूँ, तो अपन चलते हैं अभी ऊपर, थोड़ा आप लोगों ने दिखा दो। चलिए तो गाइस यहाँ पे ये देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे ये देखो ये पूरा बंद है, तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखो देख रहे हो, थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है यार, ये देख रहे हो भाई यहाँ पे डर लग रहा है यार, क्या है मतलब ये मंदिर है, मुझे मुझे लग रहा है ये मंदिर है, लेकिन मुझे भी पता नहीं ये कौन सा भगवान का मंदिर है। तो अपन चलते हैं आगे, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे मतलब है, ये देखो ये ऐसे मतलब ये पूरा पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पे ये बनाया गया है, ये पहले से पता नहीं। तो ये देखो ये नीचे से यहाँ पे पानी है, और इसके बगल में और एक है, आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो हाँ ये शायद मुझे लग रहा है ये मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे ये देख तो यहाँ पानी है और यहाँ छोटे छोटे मछली है, ये देख सकते हो, देख लो थोड़ा दिखा दो और आप लोग, ये देखो। तो आप लोगों को थोड़ा अंदर जाके दिखाता हूँ, लेकिन ये देखो पूरा का पूरा ये ऐसे पत्थर का है, ये देख रहे हो, 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 क्या बेकार है, बहुत डर लग रहा है ये क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत मतलब बहुत ही अलग दिख रहा है। और इसके पीछे क्या है दिखते है यार, चलो चलो चलो, डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो तो बाहर गया मुझे अकेला छोड़ के, तो चलते हैं अपन यहाँ पे। सुबह जी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा है, तो चलता हूँ यार यहाँ से। लेकिन व्यू देखो, ये देखो अंदर से ऐसा कुछ है इसका व्यू, ये देख लो देखो। तो गाइस तो अभी हम यहाँ से वापस जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को सारा का सारा यहाँ का व्यू दिखाया और ऊपर क्या है वो भी आप लोगों को दिखाया। तो ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से मतलब शांति मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे बहुत साइलेंट एरिया है और यहाँ बिल्कुल क्राउड नहीं है और व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो ये सारे देख रहे हो ना, ये सारे मतलब यहाँ गुहा है और यहाँ पे मंदिर है, ये मतलब ऐसे पहाड़ों के बीचों बीच ये मंदिर है। तो अपन चलते हैं अब नीचे और आप लोगों को थोड़ा गाड़ी का और भी सर्विस कॉस्ट कितना आया वो भी बताना था, तो वो भी बता दे, तो चलिए चलते। तो
भाई जितने मेहनत आपको ऊपर आने में है ना, उतनी मेहनत नीचे जाने में नहीं है, इसीलिए मैं तभी तो कहता हूँ दिखा दो। तो हमें कहाँ जाना है, तो ये देखो ये सारे सीढ़ी है और यहाँ से पूरा नीचे तक है, आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया, घना जंगल दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया, तो नीचे तक जाना है हमें, तो चलते। नीचे जाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, लेकिन ऊपर आने में भाई साहब मेरी तो हालत खराब हो रखी थी, तो अब चलते। तो मुझे आप लोगों को इस बाइक की मतलब फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट कितने वो आप लोगों को पता नहीं थी, तो ये गाड़ी मतलब 500 किलोमीटर बाद इसकी पहली सर्विसिंग होती है। तो हम लोगों ने 5 दिन पहले ये गाड़ी से यूनिकॉर्न ली थी, तो 5 दिन बाद हमारे मतलब 500 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे। तो इसकी जो फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट है वो 580 रुपये, मतलब 580 रुपीज़ इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट है। तो फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट में ये लोग क्या करते हैं, मतलब आपकी गाड़ी की ऑयल चेंज करते हैं, मतलब सारे के बारीक सारी जो भी आपने बाइक में प्रॉब्लम हो सारे देखते हैं, और वायरिंग डीलिंग में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं सारी चीज़ें देखते हैं। अभी इस बाइक को 10 दिन हो चुके हैं, तो 10 दिन में 10 नहीं, अभी इस बाइक को 15 दिन हो चुके हैं, तो हम लोगों ने 15 दिन में ये बाइक 1072 किलोमीटर चलाई है, तो काफ़ी अच्छा इसका रेफरेंस रहा, बहुत अच्छी बाइक है। तो बाकी तो आप लोगों को सब पता है, आप लोग ब्लॉग में देखते हो बाइक कैसे चलते हैं।